नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन लगने जा रहा है इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। इन 6 राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि इतिहास में पहली बार 172 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसके बाद बुधवार के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उसके तुरंत ही बाद इन 6 राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से चमकने जा रही है। इन 6 राशि वालों को अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों के अनुसार इन 6 राशि वालों का भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। न केवल इनके नवग्रह इनका साथ देना शुरू कर देंगे, बल्कि इनके जीवन में इनको अपार खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब ये 6 राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। करियर कारोबार में अचानक से इनको उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन 6 राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के बाद करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 2 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले वो कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप ये गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख परेशानी दरिद्रता आपके ऊपर आपके जीवन में आपको दुख परेशानी दरिद्रता आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है या आपकी कैसी भी परेशानी है, अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से ज़रूर मुक्ति मिलेगी। और वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है, जिनको भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान सूर्यदेव जी कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। दोस्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महा सूर्य ग्रहण होगा जो 2 अक्टूबर
सर्व पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। ऐसा ग्रहण तब लगता है जब सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आना पूरी तरह से रुक जाता है। इस दौरान जो सूर्य होता है वो पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से धरती पर अंधेरा छा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। अगर बात करें इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की तो ये 2 अक्टूबर के दिन लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण का असर 2 अक्टूबर रात 9:13 से लेकर 3 अक्टूबर सुबह 3:17 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर होगा। इस तरह का सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। जब ऐसा होता है तो सूर्य का बाहरी हिस्सा एक चमकदार रिंग की तरह दिखाई देने लगता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, यानी कि इस दौरान किए गए उपाय खाली नहीं जाएंगे। उस उपाय को करके आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। और जब भी दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है तब सूर्य ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर व्यक्ति के भाग्य पर हमेशा पड़ता है। और इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा तुरंत ही 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को अगर आप करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है। तो दोस्तों जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ना तो आप लोग घर पर खाना बनाएं ना तो खाना खाएं। जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों में इस चीज़ की सख्त मनाही है। दूसरी बात यह है कि घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण का अंतराल चलता रहेगा उतनी देर आप कंघी बालों में इस्तेमाल मत कीजिएगा और नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी आप लोग शारीरिक संबंध मत बनाइएगा, वरना इससे आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसको आप लौटा नहीं पा रहे हैं, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सूर्य ग्रहण जैसे ही रात्रि में शुरू होगा उस दौरान आपको सिर्फ एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग और दाहिने हाथ से डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बनाइएगा और अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। अगले दिन आपको इसी पोटली को ले जाके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे
भिक्षुक को आपको दान कर देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, वो दोष अपने आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपने आर्थिक कष्टों से ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। बात करें अगले उपाय की, तो यह एक ऐसा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो आपके घर के लोगों को अगर बाहर के लोग काली विद्या बंधन करवाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर आपके घर के लोगों पर ना पड़े। तो बस एक काम कीजिएगा, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल खरीद लीजिएगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण रात्रि में शुरू होता है, उस नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के माथे से आपको टच करा लेना है और इस नारियल को घर के पूजा घर पर रख देना है। अगले दिन इसी नारियल को ले जा कर के आपको किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, उसका असर आपके घर पर कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूर्य ग्रहण के अगले दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सदा बाहर का पौधा ले आता है तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप ये बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के आठ रूप का वास होता है। तो सिर्फ आपको ये करना है दोस्तों कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है और 3 अक्टूबर को आपको एक सदाबहार का पौधा लाना है और अपने घर के किसी भी पूर्व दिशा में स्थापित कर देना है और प्रतिदिन इसको जल देना है। दोस्तों, अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। न केवल आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा बल्कि आपके कारोबार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। जिस नौकरी की आप तैयारी करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि है दोस्तों, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्यदेव जी के आपका राहु केतु का आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और सूर्य ग्रहण के बाद आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य ग्रहण के बाद सातवें भाव पर चला आएगा।
कहने का मतलब है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती है। न केवल आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस कर्ज में आप लोग फंसते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। अगली राशि है वृषभ राशि। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। आपका मन धर्म और आध्यात्म में लगेगा, आपका तनाव दूर होगा और आप मन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। सूर्य के शुभ प्रभाव से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन राशि। अंतिम सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव आपकी राशि वालों पर देखने को मिल सकता है। इससे समय आपका एनर्जी लेवल उच्च स्तर पर होगा। आप किसी भी काम को पूरे मनोयोग से करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास मजबूत होगा, आप अपने शत्रुओं पर हावी रह सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लोगों की उन्नति करने वाला हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई बिजनेस करते हैं। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काम का विस्तार करने में सफल हो सकते हैं। पुराने फंसे हुए कार्य या कोई डील फाइनल हो सकती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से कष्ट दूर होंगे और आप निरोगी होंगे। अगली राशि है सिंह राशि। आपकी राशि के लोगों पर भी अंतिम सूर्य ग्रहण का अच्छा प्रभाव होगा। करियर में आपको नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। आपको कोई बढ़िया प्रस्ताव मिल सकता है जो आपकी उन्नति के लिए मददगार होगा। आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका पार्टनरशिप भी अच्छा होगा। अगली राशि है धनु राशि। अंतिम सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव धनु राशि वालों के जीवन में भी होगा। आपकी लव लाइफ रोमांटिक हो सकती है। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन खुश होने की उम्मीद है। इस दौरान आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी, सेहत ठीक होगी। अंतिम राशि है मकर राशि। यह सूर्य ग्रहण मकर राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। इस दौरान प्रॉपर्टी या अन्य जगहों पर किया गया निवेश आपको मालामाल कर सकता है। धन की कमी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। घर में भी आपकी बात का मान बढ़ेगा। पुराने लटके हुए काम बनेंगे और आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।